हेलो दोस्तों, आप हैं गुड लिविंग चैनल पर और आज हम सीखते हैं चटपटा सा पोहा बनाना। तो चलो आइए, ये है भीगा हुआ पोहा, ये है प्याज, लेमन, मटर और ये है उबले हुए कटे हुए आलू, ये है टमाटर, ये हरी मिर्च और इधर आइए, इस साइड आ जाइए। अब आप, ये मैंने मिर्चें काट के रखी हुई है, डंठल हटा के चिकना हाथ लगा के एयर टाइट डब्बे में आप भी ऐसे फ्रिज में रख दें, 20-25 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होगी, ना गलेगी ये। और ये है हमारे मसाले, स्पाइस बॉक्स ये है, ये हर नॉर्थ इंडिया के घर में मिलेगा। ये है धनिया पाउडर, मिर्च, आमचूर पाउडर, नमक और जीरा, सिर्फ हम ये यूज़ करेंगे, हल्दी और ये मेथी दाना यूज़ नहीं करेंगे। ये है हींग, ये जरूर डालना है आपने। ये कुकिंग ऑयल, ये सरसों के दाने ऑप्शनल है, आपने डालने हैं डाल लो, नहीं डालने हैं तो मत डालो, ठीक है। तो चलो आइए उठाते अपना कुकिंग ऑयल, कढ़ाई मेरी पहले से ही गर्म है, गैस ऑन करके मैंने रखा हुआ था और अब इसमें हम अपना कुकिंग ऑयल डालते हैं। ये मूंगफली का तेल है और इसको हम डाल देते हैं। मटर के दाने भाइयों, ये मेरे सर्दियों के हैं, 10 किलो मटर के दाने मैंने छील के अपने फ्रीजर में रखे हुए थे, मोटी सी पॉलोथीन में एकदम एयर टाइट करके, और ये पूरी गर्मी अब यूज होंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पानी में थोड़े से मिक्स किए और निकाल के अपना किसी भी चीज में यूज कर लिए। अब जैसे मटर महंगे है, उस टाइम तो 10-20 रुपए किलो थी, और अब हम इसमें गरम तेल में जीरा डाल देंगे। जीरा जल्दी से डालेंगे, तेल ज्यादा गर्म है, एकदम से प्याज डाल देंगे। ये जीरा डाल दिया, जीरा डालने के बाद अब आप फटाफट से प्याज डाल दें, तेल गर्म था क्योंकि जल ना जाए जीरा। जल्दी से हम इसको चला देंगे। तो मेरी बहनों, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको किचन से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी, जैसे कि मैंने मिर्चों के बारे में बताया और मटर के बारे में बताया, ऐसे आप भी जिस सीजन में सब्जियां सस्ती हों रख सकती है। ये डाल दिया हींग, हींग डालने के बाद अब हम ये मिर्चे प्याज के साथ ही भून लेंगे ताकि इसका तीखापन कम हो जाए। प्याज के साथ भूनने से इसका तीखापन कम हो जाता है। ऐसे मटर के दाने अब हम इसमें डाल देंगे, इससे ग्रीन कलर और अच्छा निकल के आएगा इनका और जल्दी से पक भी जाएंगी, इसलिए तो ये झटपट चटपटा पोहा, ताकि जल्दी से बन जाए। ये उबले कटे आलू आपने इसमें डाल देने हैं। अब सारी सब्जियों को हम बिना टमाटर के पहले फ्राई करेंगे। अब इसमें हम जल्दी से सारे मसाले डाल लेते हैं जो मैंने आपको बताए थे। अपना स्पाइस बॉक्स उठाते हैं और ये डालते हैं अपने मसाले। सबसे पहले जाएगा धनिया पाउडर, ये गया धनिया पाउडर, इसमें हम डाल देते हैं। और अब इसके बाद हम डालते हैं लाल मिर्च का पाउडर, ये गया लाल मिर्च का पाउडर। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा आमचूर, आमचूर डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। गरम मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही हम हरियाणा के हैं, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ, बारिश भी नहीं हो रही ज़्यादा, इसलिए धनिया पाउडर ही सफिशियंट है। आमचूर भी डल गया, धनिया पाउडर डल गया, बिल्कुल लाइट से मसाले हैं ये, बच्चे स्कूल से आते हैं उनके लिए आप ये बना सकती हैं, सुबह सुबह नाश्ते के लिए फटाफट से बना सकती हैं। ये बहुत जल्दी से तैयार होने वाली चीज़ है और सारी सारे जितने भी इंग्रेडिएंट हैं हर किचन में मिलेंगे मोस्टली। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे अपने, ये इसमें टमाटर डाल देंगे। नमक और मसाले सारे इसमें डले हुए हैं, जो मसाले थे हमारे वो तेल के साथ पक गए थे, इसलिए बड़ा बढ़िया सा कलर आएगा इसका। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं हमारे। और अब इसको 5-10 मिनट के बाद हम ढक्कन उठा के इसमें अपना वो भीगा हुआ पोहा मिला देंगे। पोहे को खाली आपने छलनी में डाल के खाली उसमें पानी स्प्रिंकल करना है, उसको भिगोना नहीं है दाल चावल की तरह, कभी अपना पानी में डूबोगे छोड़ दो हलवा बन जाए उसका, है ना, छलनी में डाल के बस छोड़ देना है। और इसको ढक्कन उठा के हम थोड़ा सा चला देते हैं, थोड़ी देर में आप पोहे को देखेंगे अपने आप ही फूल जाएगा वो 10-15 मिनट के बाद, और ऐसा खिला खिला सा हो जाएगा जैसे मैंने अब डाला था। और अब हम इसमें अपना पोहा डाल देते हैं, ऐसे ही खिला खिला होगा, बस हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके आपने छलनी के ऊपर छोड़ देना है, सारा जैसे हल्का सा भीग भी जाए और थोड़ी देर में अपने आप फूल जाएगा, ये ऐसा ही खिला खिला सा हो जाएगा। ज़्यादा पानी में भिगोना नहीं है, ज़्यादा पानी इसके ऊपर नहीं डालना है और भिगोना भी छलनी के ऊपर ही है ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे से ड्रेन हो जाए। और अब इसको हम चला देते हैं, सारी सब्जियां मसाले इसके अंदर मिक्स कर देते हैं अच्छे से, सारा लिपट जाए ये पोहे के ऊपर मसाला हमारा, सब्जियों का
सब्जी आपका जो मन करे वो डालें। मैंने तो खैरी आलू मटर ही डाले हैं दिखाने के लिए, आपके घर में और भी सर्दियों में तो और भी कितनी सारी सब्जियां होंगी, आप वो भी इसमें मिक्स कर दें बॉईल करके। और ये हमारा बढ़िया सा पोहा तैयार हो गया है, सारे मसाले हमने मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे, नींबू ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आप चाहें तो निचोड़ें चाहे तो ना निचोड़ें, मुझे खैर नींबू वाला बहुत पसंद है इसलिए मैं निचोड़ रही हूँ। ये मेरा नींबू निचोड़ने का तरीका है, बीज सारे आपके हाथ में रह जाएंगे, नीचे से रस निकल आएगा। ठीक है, आपका ये बढ़िया सा स्नैक तैयार हो गया है। इसी तरह से आप गुड लिविंग चैनल देखते रहिए, आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस लाइफ से रिलेटेड, अपनी घर गृहस्थी से रिलेटेड हर मेरी बहन को मिलते रहेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर, तो हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली एंड मेक डिलीशियस रेसिपीज लाइक मी। ओके, थैंक यू, बाय।